इमेजिन करो कि आपने बहुत अच्छी तरह से खुद को बनाया है, आपके पास इतने भी अच्छे कपड़े थे, उसमें से एक अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, पूरी तरह से आपने चेहरे को बनाया है, कहीं आप सलून में जाके अच्छी तरह से टिप टॉप होके गए, अच्छा वाला बहुत महंगा वाला बैग लगाया, शूज लगाए, अच्छी अच्छी घड़ी लगाई, बहुत बढ़िया चश्मे लगा के आप कोई इवेंट में गए, उस टाइम आपका फीलिंग कैसा रहेगा? कम से कम आप अंदर से थोड़े पॉजिटिव रहोगे, आपको किसी को मिलने का मन भी करेगा कि किसी को मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप बाहर से इतने एकदम जोशीले दिख रहे हैं, बाहर से तो अंदर से जो फीलिंग है वो तो डिफरेंट है, लेकिन बाहर से अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है, सजाया है, धजाया है, बहुत अच्छी तरह से आप टिप टॉप बन के निकले हैं, आपका फीलिंग भी इसी तरह से रहेगा, पॉजिटिव रहेगी, उत्साह रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम लेवल का रहेगा। लेकिन आप फटे हाल में गए तो आप दूरी बनाएंगे लोगों से, बस आप लोगों से मिलने से कतराएंगे, नहीं मिलना यार, चलो एक कोना पकड़ के इधर से बाहर निकल जाओ, आप किसी के सामने पेश करना भी पसंद नहीं करेंगे। कहीं भी आप थोड़े बहुत भी काम, छोटे काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करो यार, ठीक है यार, पहचान वाले तो लोग हैं, सब दोस्तों के साथ तो जा रहे हैं, अरे दोस्तों के चार रहे, कोई अनजान व्यक्ति भी मिल गया, कोई बड़ा व्यक्ति भी मिल गया, तो फिर आप कहाँ छुपाओगे अपने आप को? अपने आप को ऐसे सेलिब्रिटी के रूप में देखो, सेलिब्रिटी लोग घटिया अंदाज में कभी बाहर नहीं निकलते, बाहर जाना है घर से बाहर तो बहुत टिप टॉप बन के निकलेंगे, और एक हम है जैसे घर में रहते हैं वैसे ही बाहर निकल जाएंगे, मार्केट में भी कौन पहचानता भाई हमें। तो एक बात समझिए कि आप आपका जितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं इतनी दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी, आप जितना खुद को बेहतर समझ रहे हैं दुनिया आपको इतना बेहतर समझेगी, आप खुद को जितना सफल समझ रहे हैं ना दुनिया आपको इतना सफल मानेगी। आपको क्या मानते हो? नहीं, मैं तो फटे हाल का व्यक्ति, उसमें जॉब का ठिकाना नहीं, बिजनेस का ठिकाना नहीं, मैं तो एकदम असफल फेल आदमी हूँ, कुछ नहीं कर सकता, परेशानी वाला आदमी हूँ मैं, परेशानी से गिरा हुआ व्यक्ति, क्या करूँ, मर जाना चाहिए। आपके बारे में जो भी कुछ सोच रखी है ना वही तो आपकी ज़िंदगी बनाती है। आपके ऊपर क्या लेबल लगा रहे हो? पॉजिटिव व्यक्ति का लेबल लगाया, नेगेटिव व्यक्ति का लेबल लगाया, आपने ही लगाया है, और वही लेबल आपकी ज़िंदगी बना रहा है। लोग क्या मानते हैं वो तो बात की बात है, इसका कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं होगा। लोग आपको एक कमीना है, घटिया है, बदतमीज़ है, हरामी है, चोर है, लुटेरा है, दुनिया आपको क्या मानती, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद को क्या मानते हो। शानदार व्यक्ति, बहुत कॉन्फिडेंट, हाईली एंथुसियास्टिक, पावरफुल, स्ट्रांग, एनर्जेटिक, लोगों को सपोर्ट करने वाला, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नेक दिन इंसान हूँ मैं, ऐसा भी आपका खुद के बारे में नज़रिया हो सकता है। चलो कुछ प्रॉब्लम भी है आपके साथ, कुछ समस्याएं भी चल रही हैं, फिर भी आप अपने आप को ऐसा बताते हैं, आपकी राय आपके बारे में इतनी ज़ोरदार है, मैं बहुत ही सक्षम व्यक्ति, कोई भी प्रॉब्लम से मैं हार नहीं सकता, कोई भी समस्या मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, कोई मुझे हरा नहीं सकता, इतना स्ट्रांग, कॉन्फिडेंस, पावरफुल पर्सनैलिटी हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सफलता आए असफलता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना मैं हर हाल में करता हूँ, मेरे इतना बेहतर मेरे सराउंड में कोई व्यक्ति है ही नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। हम लोग दुनिया क्या सोच रहे इसके बारे में उलझते रहे, यार उसने ऐसा बोल दिया, तू कमीना है, पूरा दिन यही सोच भर के चले, उसने मुझे कमीना बोल दिया। जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, जॉब में, बिजनेस में कमाई कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको कमीना बोलेगा उसको कोई? ये तो आपका नजरिया है कि बुरा बोल के अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हो कि चलो जी बुरा बोला किसने तो शायद उसे मुझे ठीक करना चाहिए, तो आपके लिए फायदे का है, और किसी ने बुरा बोला और आपने बोला ये क्या मुझे बोलेगा, वो मुझे सिखाएगा कि तू ऐसा है, तू वैसी है, चल हट निकल साले, तो आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सुधार भी नहीं करेंगे, उसको निकाल दिया, आप वैसे ही वैसे रह जाओगे, इतने कमीने हरामी बदतमीज आप वैसे ही रह जाओगे। लेकिन हमारी एक चीज़ क्या होती है, हमारी आदत क्या होती है कि अगर किसी ने हमें नेगेटिव बात कर दी कि तू बहुत आलसी है, अरे तू भी कहाँ एक्टिव है साला, तू भी 9 बजे उठता है, मुझे पता है तेरे पापा ने बोला साला 9 बजे तो उठता नहीं है, हमारी आदत है, जो कोई व्यक्ति हमारी एक कमी ढूंढकर बताएगा ना हम उसकी 3 कमियां बता देंगे उसको, और इसमें हम मास्टर हैं, हम इस पूरी दुनिया इसमें मास्टर है। आपकी कितनी कमियां हैं इसकी लंबी लिस्ट है, हर व्यक्ति के दिमाग में, आपके अंदर भी है, आपके दोस्त की कितनी कमियां हैं, आपके पापा की, मम्मी की, फ्रेंड की, पड़ोस की, पड़ोसन की कितनी कमियां हैं सब पता है आपको, कोई पूछता नहीं है तो आप बताते नहीं हो, बाकी कोई पूछ ले कि उसकी क्या कमियां है, धड़ 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 10-15 बोल ही देंगे फटाफट,
इसमें तो दिमाग इतना, जिसमें तो कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बदल के करनी चाहिए कि हम सिर्फ दूसरों की कमियां देख रहे हैं, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम हमारी कुछ कमियों पर हम ध्यान दें और इसमें जितना भी सुधार कर सकते हैं, जितनी जल्दी सुधार कर सकते हैं इतनी जल्दी सुधार करना चाहिए, अगर ज़िंदगी आप अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिस कमी के साथ पैदा हुए हैं, आज भी इस तरह से ही हैं, आने वाले और 25-30 साल में ऐसे ही होंगे और इसी तरह से वो मर जाएंगे। कभी उसने खुद की कमियों कमजोर पर ध्यान नहीं दिया कि दुनिया मुझे बता रही, इतनी बार बार बताया तेरी ये प्रॉब्लम है, कभी सुधार करने की कोशिश ही नहीं की, वैसे ही मर गए, तो उसको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। आपके बारे में क्या राय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे ही आपकी ज़िंदगी बनती है, अच्छी या बुरी, सफल या असफल, स्वस्थ या बीमार, जो भी ज़िंदगी आपकी होगी आपकी राय से होगी, आपके खुद के बारे में ओपिनियन से होगी। जब तक आपके बारे में आप सही राय ना बनाए, अंदर से दिमाग से आपके बारे में सही राय ना उठे, तब तक आप कोशिश करिए इम्प्रूवमेंट की। हर चीज में आप गहराई से देखो कि मैं कैसा व्यक्ति, आपके अंदर जितना पॉजिटिव इस पर भी ध्यान दो, आपके अंदर जितना नेगेटिव उस पर भी ध्यान दो, जो चीज़ें पॉजिटिव है उसको और बढ़ाओ, जो चीज़ें नेगेटिव है उसको ख़त्म करो, जो भी तरीका, जो भी प्रैक्टिस, जितना भी सपोर्ट लेना है कहीं से भी लो, हर चीज़ को ख़त्म करो, अपने आप को बहुत बेहतर इंसान बनाओ। जब आपके मन में आपके बारे में ऐसी राय आएगी कि मैं बहुत शानदार, उस वक्त आप शानदार बन जाएंगे। और बोलता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शानदार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, उस वक्त रियल में आप ऐसे होंगे कि आपके जैसा कोई नहीं होगा। ये सब ओपिनियन है, ये सब राय है, खुद के बारे में बहुत काम करती है ये चीज़। दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, पड़ोसी कैसा, पड़ोसन कैसी, वो जानना थोड़ा बहुत फायदे का है भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मैं कौन, मैं कैसा व्यक्ति, मैं कितना अच्छा, मैं कितना बुरा, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है और वही चीज़ लोग करते नहीं है। इसलिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इसके बारे में काम भी करना पड़ेगा, तो आप करेंगे। और जो लोग ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं वो भी आपको अपने आप को समझें, आपकी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड समझें, लिखें, और आपका जो भी पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और जो लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को बनाने की कोशिश करते हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं और वही लोग सेलिब्रिटी बनते हैं।